हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विकेशन मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार निजी योजना के बारे में जो नलकूप के माध्यम आया है। तो 2024 में एक नियम आया है कि बिहार निजी नलकूप योजना 2024, इस प्रक्रिया से आप किस प्रक्रिया से आप अपने खेतों में नलकूप लगवा सकते हैं, उसका क्या बेनिफिट्स है, कितना परसेंट आपको सरकार छूट देगी, कितना परसेंट आपको लगाना होगा, किस जाति को कितना परसेंट छूट है, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, कि को कौन सी प्रक्रिया है, सारे इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा कि आप हमारे वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी प्रक्रिया आपको लिखा गया है कि प्रक्रिया की जानकारी। नंबर वन कह रहा है कि निजी अगर नलकूप आपको लगवाना है तो उसके तहत आपको सरकार कितना परसेंट का छूट दे रहा है, 50% से लेकर के 80% तक। अब 50% किसको मिलेगा, 80% किसको मिलेगा, उसके बीच का कितना परसेंट जो बच रहा है वो किसको मिलेगा, बारी बारी से हम लोग जानते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्किप करिएगा तो छूट जाएगा, समझ नहीं पाइएगा और ऑनलाइन करने में आपको दिक्कत होगा। उसके बाद कह रहा है कि दो नंबर में कि बिहार निजी नलकूप योजना के तहत 30,000 किसानों से अधिक किसानों को ये लाभ प्रदान किया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा, यानी कि 30,000 से अधिक। अब बात करेंगे कि किस वर्ग को कितना परसेंट मिल रहा है लाभ। सामान्य वर्ग को अगर देखा जाए तो उसमें आपको मिलेगा कितना, 50% का लाभ मिलेगा सरकार के द्वारा, इस योजना के तहत, बिहार निजी नलकूप योजना के तहत 50% हुआ। यानी कि मान लीजिए कि 100 रुपया अगर आपको खर्चा होता है उस नलकूप को लगाने में, तो 50 रुपया आपको सरकार देगा और 50 रुपया आपको देना होगा, दोनों को मिला करके 100 रुपया होगा और अपने जमीन में अपना करवाना है। उसके बाद कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग पर 70% कह रहा है, पिछड़ा वर्ग। उसके बाद SC और ST को मिलेगा 80%, यानी कि सबसे ज़्यादा मिल रहा है सबसे SC और ST को, जो पिछड़े सबसे पिछड़े जाति में आते हैं, चमार, दूसरा आदि ये सब लोग आते हैं। और पिछड़ा वर्ग के मतलब आता है छोटा कास्ट, जैसे हो गया बीन, हो गया मुस्लिम, हो गया तेली, हो गया। और सामान्य वर्ग के मतलब हो गया कि BC1 BC2 जनरल आपको हो जाएगा। तो इसके तहत आपको तीन स्टेप दिया गया है, 50%, 70%, 80%। अब बात करते हैं कि अगर ये नलकूप आप करवाते हैं तो कैसे करवाइएगा। आवेदक के पास निजी ज़मीन आवश्यक होना चाहिए। आपके पास अगर अपना पर्सनल ज़मीन नहीं होगा तो आप उसका नलकूप का योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि आवेदन की उम्र, आवेदक जो होगा जो अपना मतलब नलकूप करवाएगा उसका उम्र कितना होना चाहिए, जो फॉर्म अप्लाई करने जाएगा उसका 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि आवेदक के परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं करना चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, पापा, दादा, चाचा, भैया, भतीजा, कोई भी है, बेटा, अगर आप इस आवेदक को फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको ये फॉर्म अप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके घर में एक गवर्नमेंट जॉब व्यक्ति आपका कर रहा है, इसलिए आपको वहाँ पर क्या किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको करने के लिए पूरा दस्तावेज कौन कौन सा लगेगा। तो इसमें आपको दस्तावेज लगेगा, एक नंबर में कह रहे हैं कि आवेदक का आधार कार्ड लगेगा, यानी कि जो व्यक्ति अपना नलकूप करवाने के लिए जाएगा फॉर्म भरने, उसका आधार कार्ड लगेगा, पहला नंबर। दो नंबर में कह रहे हैं कि बैंक का खाता लगेगा, यानी कि आप कोई भी बैंक का खाता आप लगा सकते हैं, जहाँ खुलवाए होंगे उसका आप फोटो स्टेट दे सकते हैं। उसके बाद तीन नंबर में कह रहे हैं कि निवास प्रमाण पत्र, निवास यानी कि आप जिस गाँव में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, उसका आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा कि इस गाँव में हम रहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि भू प्रमाण पत्र, भू के मतलब होता है भूमि, यानी कि जिस खेत में आप नलकूप करवाना चाहते हैं उस खेत का विवरण देना होगा कि इस प्लॉट का खेत में हम लोग नलकूप करवाएंगे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर अपना देना होगा, आवेदक जो जगह करने है उसी का मोबाइल नंबर होगा, दूसरा का नहीं लगेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आवेदक कर्ता का ही पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। तो ये था आपका दस्तावेज और ये था आपका नियम, दोनों मिलाकर आप समझ चुके होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, जाते जाते बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो बनाने में हम लोग को मोटिवेशन मिले, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने के पहले हम लोग को मेहनत करना पड़ता है, जानकारी इकट्ठा करना पड़ता है, फिर आपके पास पहुँचाना रहता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।